देर रात देखिए आप इस समय जो कॉम्बिंग चल रही है, इसमें खुद यहाँ पर जो मौजूद है वो जो फॉरेस्ट ऑफिसर है वो मौजूद है, और टॉर्च से देखा जा रहा है कि वहाँ पर सीआर मौजूद है या भेड़िया मौजूद, इसको वेरीफाई किया जा रहा है। और इधर साइड में क्योंकि सड़क पर बीच में ये कॉम्बिंग कर रहे थे, ये यहाँ पर अभी क्या देखा गया है, सीआर है या भेड़िया है? ये सीआर था और घर की तरफ जा रहा था, घर की तरफ जा रहा था। आपने देखा ही सामने जी कि हम लोगों ने भगाया, अगर बाहर बच्चा सोया होता शायद हमला भी कर देता है, हमला कर देता। दूसरा मतलब स्पष्ट है, चलते रहेंगे आप देखते रहेंगे कि बीच बीच में कहीं भी अगर गांव है या गांव के में घरों की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं। ओके, कहीं न कहीं वो थोड़ा बहुत आतंकित हैं जी, आतंक मचा रहे हैं, कुछ न कुछ हद तक लूट पटांग कर रहे हैं। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि देर रात में किस तरीके से डीएफओ खुद यहां पर कॉम्बिंग एक तरीके से कर रहे हैं, और अभी जो है सीआर भेड़िए की जगह सीआर देखा गया है जो गांव की तरफ जा रहा था, यानी कि इस घरों में जा रहा था, लेकिन इस टीम ने जब देखा तो यहाँ पर तुरंत उसको सचेत किया और उतरे। तो ऐसे में साफ तौर से जो हमला हो रहा है, जो घरों में लोगों के ऊपर हमला हो रहा है, वो कहीं ना कहीं जो जानवर है वो सीआर के रूप में देखा गया है। और यही वजह है कि इस पूरी सड़क पर आप देखेंगे अगर, तो अभी जो टॉर्च में दिखाया गया था वो सीआर मौजूद था। ये देर रात का तकरीबन 1 बजने वाला है और देर रात का ये समय है, और ऐसे में ये साफ कहीं ना कहीं ये जो स्थिति है वो अब भेड़िए के आतंक की है, लेकिन लोग सीआर से भी कहीं ना कहीं अपने आप को बचा रहे हैं।